स्वागत बंधन। आज हम शेमुषी द्वितीय भाग दसम वर्ग आया संस्कृत पाठ पुस्तकम के अंतर्गत जो पाठ दिया गया है उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये है पाठ पाठ अष्टमा विचित्र साक्षी विचित्र गवाह और ये है ओम प्रकाश ठाकुर। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, ये आपकी बुक में भी पिक्चर दी हुई है, यहाँ पर विचित्र गवाह, ठीक है। तो अब ये विचित्र गवाह क्या है हम इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए थोड़ा सा पाठ का परिचय समझ लेते हैं। अयम पाठ ओम प्रकाश ठाकुर विरचित कथाया संपादिता अंशः अस्ति। यम कथा वांग साहित्यकार वंकिम चंद चटर्जी द्वारा न्यायाधीश रूपेण प्रदत्त निर्णयोपरि आधारिता अस्ति। न्यायकर्तारः सत्यासत्य निर्णयार्थकम् यदा कदा तादृशानां युक्तिनां प्रयोगं कुर्वन्ति। या भी प्रमाणं विनापि न्यायस्यात् अस्याम कथायाम अपि न्यायाधीशेन तथैव मार्गः आचारितः। अनुवाद समझें। ये जो पाठ है ओम प्रकाश ठाकुर द्वारा विरचित कथा का संपादित जो अंश है यह कथा बंगला के साहित्यकार बंकिम चंद चटर्जी द्वारा न्यायाधीश के रूप में प्रदत्त निर्णय के ऊपर आधारित है। न्यायकर्ता सत्य असत्य के निर्णय के लिए जब कभी ऐसी युक्तियों का प्रयोग करते हैं जिनसे साक्ष्य के बिना भी क्या हो सके, न्याय हो सके, तो इस कथा में भी न्यायाधीश ने क्या किया है, वैसा ही मार्ग अपनाया है। कैसा विचित्र गवाह, यानी यहां पर ही बताया गया है कि साक्ष्य के बिना न्याय हो सके, तो इस कथा में भी वैसा न्यायाधीश ने मार्ग अपनाया है। चलिए अब यहां पर देखिए पाठ का अनुवाद भी है, भावार्थ भी है। संस्कृत में इसको पहले पढ़ूंगी फिर बाद में इसके शब्दार्थ समझाऊंगी। कश्चन निर्दयो जना भूरी परिश्रम में किंचित वित्त मुपार्जित मान तेन वित्तेन स्वापुत्रम एकस्मिन महाविद्यालय प्रवेशम दाप्यतु सफलो जाता। यहाँ पर एक निर्धन जो बहुत परिश्रम करते हैं और थोड़ा जो अपना जोड़ते हैं पैसा, उसमें अपने जो उनका एक पुत्र है उसको महाविद्यालय में प्रवेश कराते। तत्नया तत्रैव छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न संभूता। एकदा सा पिता तनुजस्य रुग्णाताम कर्ण व्याकुलो जाता पुत्रम दृष्ट च प्रसिता। उस पिता जो बीमार हो गए, परमार्थ काश्यनेन पीड़िता सह बस मायाम विहाय पदातिरेव प्राचलता। पदाति क्रमेण संचलम सायम समय अप्यसौ गंतव्याद दूरे आसीत निशांधकारे प्रसूते विजने प्रदेशे पदयात्रा नाशुभावया एवं विचार सा पार्श्वस्थते ग्रामे रात्रि निवासम कर्तुम कंचिद गृहस्थमुपगता करुणा परोग्रही तस्मै आश्रम प्राक्षयत। शब्दार्थ समझिए। भूरी यानी अत्यधिक पर्याप्तम परिश्रम करके वित्तम धन धनम उपार्जितमान कमाया या अर्जितमान दाप्यतुम यानी दिलाने में प्रवेशम कार्यतुम तनय माने पुत्र निवसन रहते हुए वासम कुर्वन तनुजस्य पुत्र की पुत्रस्य आकर्ण यानी सुनकर सुत्रवा अर्थकार्षेन धन के अभाव से धनाभावेन पदातिरे पैदल ही पदाभ्यामे प्रसरते फैले हुए विस्तृते बिजले प्रदेशे सुनसान इलाके में एकांत प्रदेशे शुभावह यानी कल्याणकारी उचित ठीक कल्याणप्रद ग्रही गृहस्थ गृहस्वामी। चलिए आगे पढ़ते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति ने अत्यधिक परिश्रम करके कुछ धन कमाया
था, उस धन से उसने अपने पुत्र को एक महाविद्यालय में प्रवेश दिलाने में क्या हुआ, सफल हुआ। वह पुत्र वही छात्रावास में रहते हुए अध्ययन में लग गया। एक बार वह पिता पुत्र की बीमारी को सुनकर व्याकुल हो गया और पुत्र को देखने के लिए क्या हुआ, चला गया। परंतु धन के अभाव से परेशान वह बस को छोड़कर पैदल ही चला गया। पैदल चलता हुआ वो शाम को भी मंजिल से दूर था और रात में फैले हुए अंधेरे में सुनसान एक इलाके में पैदल यात्रा ठीक नहीं है, ऐसा विचार करके वह पास में स्थित गांव में रात्रि निवास करने के लिए किसी गृहस्थ के पास पहुंचा और दयालु गृहस्थ ने उसे क्या दिया, आश्रय दिया। विचित्रता देव गति ही तस्यामेव रात्रौ तस्मिन् गृहे कश्चन चोर गृहाभ्यंतरं प्रविष्टः तत्र निकितामेकां मंजूषाम् आदाय पलायतः चोरस्य पादध्वनिना प्रबद्धो अतिथि चोर संख्या तमन्धावत् अग्रहांच परम विचित्र घटत चोर एव उच्चैः क्रोशित तुमार भतः चोरवम चोरवम इति तस्य तारस्वेण प्रबुद्धा ग्रामवासिनः स्वगृहात् निष्क्रम्य तत्रागच्छन् वराकम् अतिथिमेव च चोरं मत्वा भत्सर्यम् यद्यपि ग्रामस्य आर्ची एव चोर आसीत् तच्छेण तच्छेणमेव रक्षापुरुष तम अतिथि चोरौ अयम् इति प्राख्या कराग्रह प्राक्षी पद। आप इसके आगे क्या हुआ, इसके पहले शब्दार्थ को पढ़ते हैं। शब्दार्थ देवगति भाग की लीला, भाग्य स्थितः गृहाभ्यंतरम घर के अंदर, गृहस्य अभ्यंतरम निहिताम सुख रखी हुई और स्थापिताम मंजूषा मैंने जो पेटी होती है पेटी काम आदाय लेकर स्वीकृत पालयति भाग गया चला गया। वेगेन निर्गतः पालयान मकरोत् प्रबुद्धा जागा हुआ जागृतः अंध धवात पीछे पीछे गया अब गच्छत क्रोशितुम जोर जोर से चिल्लाना चीत कर तुम तार स्वरेण ऊंची आवाज से उच्च स्वरेण निष्क्रम्य निकलकर वही बहिरागत्य बराकम बेचारे असहायम मत्वा मानकर निश्चय निश्चित्य अभत्यर्णन भला बुरा कहा भर सतनाम अकुर्बन आर्ची कोतवाल रक्षा पुरुष प्रख्याप्य सिद्ध करके स्थापित करके स्थाप्य प्राक्षिपत डाल दिया है ना अपात यत। चलिए आप थोड़ा अनुवाद समझिए। भाग्य की लीला विचित्र है, उसी रात को उस घर में कोई चोर घर के अंदर क्या हुआ प्रवेश कर गया और वहां रखी हुई एक पेटी को लेकर क्या हुआ भाग गया। चोर के पैरों की आवाज से जागा हुआ अतिथि चोर की आशंका से उसके पीछे पीछे गया और उसे क्या कर लिया पकड़ लिया। पर विचित्र घटना घटी, चोर ने ही ऊंची आवाज में जोर जोर से क्या किया चिल्लाना प्रारंभ कर दिया, यह चोर है यह चोर है ऐसा। उसकी ऊंची आवाज से जागे हुए जो गांववासी अपने घरों से निकलकर वहां आए और बेचारे अतिथि को क्या मान लिया, उसको चोर मानकर क्या कहा भला बुरा कहा। किसको, जो अतिथि था उसको, जबकि चिल्ला कौन रहा था, वो चोर ही चिल्ला रहा था चोर चोर, जबकि गांव का जो कोतवाल ही चोर था। उसी समय कोतवाल ने उस अतिथि को यह चोर है ऐसा सिद्ध करके कहां डाल दिया, कारागार में डाल दिया, कारागार ने जेल में डाल दिया। किसने डाल दिया, वो जो कोतवाल था वही चोर था। चलिए अग्रमे दिने सा आर्ची चौर्या भी होगे तम न्यायलम नीतवान न्यायधीशो वक्रिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान सर्वम वृत्तमागत्य सातम निर्दोषम अमन्यत आर्चिणम च दोष भाजनम
किंतु प्रमाणाभावात् सह निर्णयतुं न शक्नोत्। ततोऽसौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम् आदिष्टवान्। अन्यदेव तौ न्यायालये स्वस्वपक्षं पुनः स्थापितवन्तौ। तदेव कश्चित् ततत्रः कर्मचारी समागत्य नैवेत् यद्यतः क्रोशाद्वा अन्तर्काले कश्चित् जनः केनापि हतः तस्य मृत शरीरं राजमार्गं निकषा वर्तते आदिश्यतायां किं करणीयमिति न्यायाधीशः आर्षणम् अभियुक्तं च तं शवं न्यायालये आनेतुं मादिष्टवान्। चलिए आगे पढ़ते हैं, शब्दार्थ समझिए। शब्दार्थ चौर भी हो गया ने, चोरी के आरोप में, चौर कर्मणि चौर्य दोषारोपे, उभयाभ्याम दोनों से, द्वाभ्याम अवगत जानकर, ज्ञात दोष भाजनम दोष दोष पात्रम, निर्णयतुम यानी निर्णय करने में, निर्णयम करतुम, असौ वह उन्होंने सह माने असौ वह उन्होंने उसको कहते सह, उपस्थातुम यानी उपस्थित होने के लिए, उपस्थापयितुम, अन्यद्युम यानी अगले दिन अपरे दिवसे, आर्क्षिणम कोतवाल को, सैनिकों को, सैनिकम आदिष्टवान आज्ञा दी आज्ञाम दत्तवान, स्थापितवन्तौ यानी रखा स्थापना करके स्थापम कृतवन्तौ, तत्रत्य वहां के या तत्र भवः नैवेद्यत प्रार्थना की निवेदन किया, कोशाद्वयान्ते शले दो कोश की दूरी पर, द्वय कोशोभ्यो मध्य, निकसा पास निकटे, आदिश्यताम आज्ञा दीजिए आदेशम दीयताम। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगले दिन वह कोतवाल चोरी के आरोप में उसको न्यायालय ले गया। न्यायाधीश बंकिम चंद्र ने दोनों से अलग अलग घटना सुनी। सारी घटना को जानकर उन्होंने उस अतिथि को निर्दोष माना और कोतवाल को क्या माना दोषी, परंतु साक्ष्य के अभाव में वह निर्णय नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को दूसरे दिन उपस्थित होने का आदेश दिया। क्या दिया? उपस्थित होने का आदेश दिया। अगले दिन उन दोनों ने न्यायालय में अपना अपना पक्ष फिर से रखा। तभी वहां के किसी कर्मचारी ने आकर के निवेदन किया कि यहां से दो कोश की दूरी पर कोई व्यक्ति किसी के द्वारा मार दिया गया है, उसका मृत शरीर शव सड़क के पास ही है, आज्ञा दीजिए क्या करना है। न्यायाधीश ने कोतवाल को और आरोपी को उस शव को न्यायालय में लाने के लिए क्या किया? आदेश किया। इस प्रकार जो बंकिम चंद थे उन्होंने क्या बोला कि निर्दोष किसको माना? अतिथि को, और कोतवाल को उन्होंने क्या माना? दोषी माना, परंतु साक्ष्य के अभाव में निर्णय नहीं कर सके। अब इसके आगे इस प्रकार मैंने आपको ये जो विचित्र साक्षी यानी जो गवाह है इसके अनुवादों को समझाया। आगे की क्लास में इसको और आगे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तब तक आप इसको अपनी कॉपी में लिखिएगा और पढ़िएगा। धन्यवाद।